टुडे वी विल डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड्स बाय परमैंगनेट एंड क्रोमिक 4-6 एसिड। सो द परमैंगनेट ऑक्सीडेशन इज यूजुअली कैरिड आउट विदाउट एडिशन ऑफ ए बेस और एन एसिड। अंडर दीज कंडीशंस द सॉल्यूशन इन सर्टेन केसेस बिकम प्रोग्रेसिवली मोर बेसिक एज रिएक्शन प्रोसीड्स सिंस हाइड्रोक्साइड आयन इज जनरेटेड। तो हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन बनता है और एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होता है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज होकर जनरली एसिड में कन्वर्ट होता है। सो द समटाइम्स हाउएवर इट इज़ एडवांटेजियस टू एड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल एन हेप्टाएल्डिहाइड, वन ऑफ द फ्यू एलिफेटिक एल्डिहाइड्स दैट इज कन्वर्टेड इंटू एन हेप्टानोइक एसिड। ये हमें 78% यील्ड तक प्राप्त हो जाता है यदि हम ऑक्सीडेशन में परमैंगनेट यूज़ करते हैं और टेम्परेचर 20°C रखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमें एन हेप्टानोइक एसिड है वो 78% तक प्राप्त हो रहा है। जनरली हम देखते हैं कि माइल्ड कंडीशंस आवश्यक होती है और उसके लिए अलग अलग हमारे पास में प्रोसेस है, जैसे कि जॉन्स रिएजेंट लिया जाए। जॉन्स रिएजेंट को रूम टेम्परेचर पर हम काम में लेते हैं तो हमें 1,1-diol प्राप्त हो जाता है और वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार से यदि बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन हम देखते हैं, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में ज़्यादातर एल्डिहाइड्स एल्सो फॉर्म एन इंटरमीडिएट विद ए पर ऑक्सी एसिड लाइक दैट ऑफ ए कीटोन, जो कि कीटोन की तरह दिखता है एंड और ये रीअरेंजेस हो जाता है और रीअरेंज होकर हमें एक एसिड देता है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड्स को अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ में करने पर हमें एसिड्स प्राप्त होते हैं। ये देखा गया है कि अधिकतर हाइड्रोजन जो है एल्काइल और फिनाइल ग्रुप की प्रेजेंस में माइग्रेट होता है। दीज कंडीशंस आर एल्सो स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशंस हो तो हमें ये जॉन्स रिएजेंट यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से सिल्वर ऑक्साइड एल्सो एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिल्वर ऑक्साइड यदि यूज़ करते हैं तो एसिडिक कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए सिल्वर ऑक्साइड यूज़ किया जाता है और दिस मेथड इज़ यूज्ड टू एस्टीमेट द एल्डिहाइड्स बाय ट्राइटेटिंग द एसिड्स प्रोड्यूस्ड। जो एसिड बनता है उसको हम टाइट्रेट करते हैं और उसको एस्टीमेट करने के काम में आता है। दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर एल्डिहाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स, फॉर एग्जाम्पल थायोफिन 3-aldehyde गिव्स द 3-carboxylic एसिड नियरली क्वांटिटेटिवली इन 5 minutes एट 0°C। ये हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि थायो एसिड्स जो हैं वो थायो एल्डिहाइड्स कन्वर्ट होकर थायो एसिड्स दे देते हैं। द प्रोसीजर इज सूटेबल फॉर द यूज ऑफ विद एल्डिहाइड दैट कंटेन अदर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप, द सोडियम सॉल्ट ऑफ द वैनिलिक एसिड फॉर एग्जाम्पल कैन बी मेड इन हाई यील्ड बाय टाइट्रेटिंग वैनिलीन विद सिल्वर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि कोई दूसरा क्रियात्मक समूह उपस्थित है जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है तो हमें उसका सोडियम सॉल्ट प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं वैनिलीन ऑक्सीडाइजेज होकर वैनिलिक
एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. इन जनरल इट इज़ यूजुअली मोर कन्वीनियंट टू सिंथेसाइज एसिड्स बाय रूट्स विच डू नॉट इन्वॉल्व द एल्डिहाइड सच एज बाय द कार्बोनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और फ्रॉम मेलोनिक एस्टर. ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स जिसमें कि कार्बोनिल ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें अलग अलग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट्स की आवश्यकता होती है और इसमें CCO बॉन्ड जो कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होने के साथ साथ कार्बन के साथ कार्बोनिल ग्रुप का भी बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और करस्पॉन्डिंग एसिड्स हमें प्राप्त होते हैं. सबसे पहले नाइट्रिक एसिड और एल्कलाइन KMnO4 यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि कीटोन्स ऑक्सीडाइज हो जाता है. यदि हम नाइट्रिक एसिड अर्थात एसिडिक मीडियम रखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम या हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कीटोन्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. और देखा जाए तो इनोल और द इनोलेट भी यूज़ किया जाता है जिसमें इनोल और इनोलेट आयन भी बनते हैं और हमें करस्पॉन्डिंग एसिड प्राप्त हो रहा है. इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमें कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है. नेक्स्ट इज द यदि हम एल्कलाइन KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 यूज़ करते हैं. एल्कलाइन KMnO4 में एसिड में OH आयंस उपस्थित रहते हैं और एल्कलाइन KMnO4 यूज़ करने पर सबसे पहले OH एल्कलाइन मीडियम रहता है और वो कीटोन से जुड़ जाता है और हमें एक साइक्लिक और हमें करस्पॉन्डिंग एसिड प्राप्त होता है जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा आगे फर्दर करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. यदि साइक्लिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, साइक्लिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, देन अटैक कैन ऑकर ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप्स सो दैट द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑप्टेन एक्सेप्ट इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन्स. विद साइक्लिक कीटोन्स हाउएवर रीजनेबल यील्ड्स कैन बी ऑप्टेन. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेनॉल इज ऑक्सीडाइज बाय द 50% नाइट्रिक एसिड वाया द साइक्लोहेक्सेनॉन इज ए इंटरमीडिएट एंड टू गिव द एडिपिक एसिड जो कि एडिपिक एसिड 60% यील्ड में प्राप्त हो रहा है. इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड है या साइक्लिक कीटोन्स हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड यूज़ किया गया है. वी कैन ऑल्सो यूज़ द हेलोजन्स इन एल्कलाइन मीडियम और वी कैन से द बाय ऑक्सीडेशन बाय द हेलोजन्स इन एल्कली एंड कीटोन्स गिव्स टू द एसिड्स और द कीटोन्स ऑक्सीडाइजेस इनटू एसिड्स. जैसे कि इसमें रिएक्शन में हम देख रहे हैं मिथाइल कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन और द ब्रोमीन और द आयोडीन इन एल्कलाइन सॉल्यूशंस टू गिव एसिड्स एंड द करस्पॉन्डिंग हेलो फॉर्म्स. रिएक्शन ऑकर्स बाय बेस कैटलाइज्ड हेलोजनेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ द
conjugate base of the haloform and we will get the corresponding acids. This provides a particular useful method for the synthesis of aromatic acids for the corresponding methyl ketones are often readily available through the Friedel-Crafts reaction. जैसे कि यदि हम Friedel-Crafts reaction देखते हैं तो acetylation of naphthalene, यदि हम naphthalene का कोई भी derivative लेते हैं तो इन nitrobenzene solution gives 2-acetyl naphthalene which yields 2-naphthoic acid on oxidation with chlorine in sodium hydroxide solution at 55 degree centigrade and we will get the 97% of the 2-naphthoic acid. Also oxidation of the ketones done by the peroxy acids. Peroxy acids में यदि use की जाती है तो ketones undergoes the oxidative regeneration with peroxy acids to give esters or lactones. उस केस में ketones rearranges होते हैं और हमको esters या ketones lactones प्राप्त होते हैं. इसका यदि हम peroxy acids के द्वारा oxidation का mechanism देखें, जैसे कि Bayer-Willinger reaction है, Bayer-Willinger reaction में ketones हमको acids में convert होते हैं और peroxy acids use करते हैं तो वो हमको esters और lactones देते हैं. इस mechanism में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन रीअरेंजेस होती है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है. पर एसिड्स का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर और एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि रीअरेंज होकर हमें रीअरेंजेस होता है जिसमें कि एसिड्स में एनायन का लॉस होता है और हमें ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है. यदि अनसिमेट्रिकल कीटोन्स प्रेजेंट हो, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में एल्काइल ग्रुप दोनों अलग अलग होते हैं तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाते हैं. तो उस केस में जो माइग्रेटरी ग्रुप है, माइग्रेटरी ग्रुप इज़ वन विच इज़ बेटर एबल टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स, सो द माइग्रेशन ऑफ इज़ ईजी for tertiary is easy than secondary is easy than primary is easy than methyl. तो इस तरीके से जो migratory group है वो हमेशा इस case में रहता है. यदि aryl group का migration होना है तो aryl group migrate in preference of primary alkyl group. यदि phenyl और alkyl दोनों present हैं तो फिनाइल ग्रुप इजीली माइग्रेट हो जाएगा और हमको उसका करस्पॉन्डिंग एस्टर प्राप्त होता है जो कि हम सेकेंड रिएक्शन में देख रहे हैं. यदि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के साथ में ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए हम पर एसिड्स यूज कर रहे हैं. उस केस में ये कन्वर्टेड इनटू कैटेकॉल एंड क्विनोल्स और एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करने पर हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कन्वर्ट होके और कैटेकॉल और क्विनोल्स दे देते हैं. जैसे कि कैटेकॉल इट्सेल्फ मे बी ऑप्टेन इन 70% यील्ड फ्रॉम सैलिसल्डिहाइड. ये एक डकिन रिएक्शन है. डकिन रिएक्शन में हम देखते हैं कि
बेंजलडिहाइड की ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और उसके साथ में एल्कलाइन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ किया गया है, तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रीअरेंजेज होकर हमको कैटेकॉल दे रहा है, और जिसमें कि दोनों ही हाइड्रोक्सी ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट है। अल्फा कीटोल्स देखते हैं हम। अल्फा कीटोल्स का मतलब है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अल्फा टू द कार्बोनिल ग्रुप। इनके ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीडाइजेज होकर अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है और वो ऑक्सीडाइजेज हो जाता है और हमको अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं, और ये इजीली विद वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन इन बेसिक सॉल्यूशन इट हैज़ बीन फाउंड दैट इनी डायोलेट इज फॉर्म्ड व्हेन अल्फा कीटोल इज ट्रीटेड विद वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट इन बेसिक सॉल्यूशन। सो द इनी डायोलेट इज फॉर्म्ड लूजेज वन इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीडेंट एंड चेंज टू अ डी लोकलाइज्ड रेडिकल। फाइनली द डी लोकलाइज्ड रेडिकल लूजेज अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म अल्फा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। और हमको ये अल्फा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। यदि बेंजोइन यूज करते हैं उसके ऑक्सीडेशन के लिए हमको बेंजोइन इज ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजील बाय कॉपर सल्फेट इन पिरिडीन, और उसका 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने पर 86% की बेंजील की यील्ड प्राप्त होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यदि सबसे पहले हम इनमें ऑक्सीडेटिव रिएजेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऑक्सीडेशन के लिए, जैसे कि लेड टेट्रा एसीटेट। लेड टेट्रा एसीटेट जनरली यूज़ किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स डीकार्बोक्सिलेटेड हो जाते हैं यदि हम लेड टेट्रा एसीटेट यूज़ करते हैं, और वो एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं, और अलग अलग केस में रिप्लेसमेंट ऑफ द, जैसे हम फर्स्ट रिएक्शन में देख रहे हैं कि COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिप्लेसमेंट एसीटाइल ग्रुप से CH3CO या करस्पॉन्डिंग एसीटेट ग्रुप के द्वारा हो रहा है। और एल्कीन इलिमिनेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा हमें एल्कीन या डबल बॉन्ड प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म हम देखते हैं तो मैकेनिज्म में लेड टेट्राएसीटेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह यूज़ हो रहा है, जनरली एक्सेप्टेड इसकी जो मैकेनिज्म दी गई है कोची के जे के द्वारा 1965 में, जो फ्री रेडिकल टाइप रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में इनिशिएशन
प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेप होते हैं और उसके द्वारा करेस्पोंडिंग प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे कि हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि लेड टेट्राएसीटेट यूज़ करते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है, तो दो तरीके से ए और बी हमें कंपाउंड प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन में सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप जो कि चैन मैकेनिज्म का पहला स्टेप है, यहाँ पर लेड टेट्राएसीटेट हमें रेडिकल्स देता है, एल्काइल ग्रुप। उस एल्काइल ग्रुप का चैन प्रोपोगेशन स्टेप शुरू होता है और हमें नंबर ऑफ रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। ये नंबर ऑफ रेडिकल्स अब मे बी चैन टर्मिनेशन स्टेप के द्वारा हमें अलग अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी एल्काइल रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू गिव्स द या